Assalamu so, alaikum, dear students. Uh, we are discussing road safety education. Now, so our today's topic is traffic signals or traffic lights. Traffic lights, also known as traffic signals, traffic lamps, traffic semaphore. सिग्नल लाइट्स रोबोट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स और सिग्नलिंग डिवाइस पोजीशनेड एट रोड इंटरसेक्शंस, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स एंड अदर लोकेशंस टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स यहाँ ट्रैफिक सिग्नल होते हैं चाहे आप क्रॉसिंग पे देखते हो रोडिंग के क्रॉसिंग पे या यहाँ पेडस्टर्न क्रॉसिंग पे या बाकी जगहों पे आप रोड पे देखते हो सिग्नल्स मुख्तफ कस्म के सिग्नल्स ताकि जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उसको हम कंट्रोल करें उसको हम स्मूथली डील कर सके तो ट्रैफिक लाइट्स को हम अक्सर दूसरे नामों से भी पुकारते हैं जैसे इसको ट्रैफिक सिग्नल भी कहते हैं या ट्रैफिक लैप भी कहते हैं या ट्रैफिक सीमाफोर सीमाफोर आपने सुना होगा लो सीमाफोर का एक का मतलब है सिस्टम यूज इट फॉर सेंडिंग सिग्नल्स बाई यूजिंग टू फ्लैग्स दैट आर हेल्ड इन योर हैंड्स आपने कभी देखा होगा रोड पे एक आदमी के हाथ में दो झंडे होते हैं तो उन झंडों की वजह से वो ट्रैफिक को फ्लो करता है यानी वो कलर्स उसमें रेड कलर होता है और उसमें ग्रीन कलर होता है तो जब वो रोकने को कहता है तो रेड दिखाता है रेड झंडा तो जब जाने को तो ग्रीन झंडा दिखाता है तो उसको हम सीमाफोर कहते हैं या सिग्नल लाइट्स हैं जैसे आजकल हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं या रॉबर्ट्स हैं बड़े बड़े मुल्कों में या ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स हैं इनको हम सिग्नलिंग डिवाइस कहते हैं अब ये कहाँ का होता है पोजिशन एट रोड इंटरसक्शन क्रॉसिंग्स पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स पे या बाकी लोकेशंस पे कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक इसका मतलब ये होता है ट्रैफिक फ्लो को यानी ट्रैफिक के चलने को कंट्रोल करना है यानी कि आ, उसको स्मूथली जो है आ, आ, जो गाड़ियां हैं उनको आ, स्मूथली रन करवाना है रोड्स पे ताकि जो मेस हैं या जो ट्रैफिक जैम्स हैं उससे बचा जाए तो यही ट्रैफिक सिग्नल एंड ट्रैफिक लाइट्स अब ट्रैफिक लाइट्स क्या है ये ट्रैफिक सिग्नल हैं या ट्रैफिक लैप्स हैं या ट्रैफिक सिमाफोर हैं सिग्नल लाइट्स हैं या रोबोट्स या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सिग्नल हैं दे आर सिग्नलिंग डिवाइस पोजिशन एट द रोड इंटरसेक्शन पेडिस क्रॉसिंग एंड अदर लोकेशन टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ट्रैफिक अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो वर्ल्ड फर्स्ट मैनुअली ऑपरेटेड गैस लिट ट्रैफिक सिग्नल है द वर्ल्ड फर्स्ट मैनुअली जो हम हाथ से मतलब कंट्रोल करते थे मैनुअली ऑपरेटेड गैस लिट इन गैस पे चलता था ट्रैफिक सिग्नल वाज शॉर्ट लिवड ये बहुत ही शॉर्ट लिवड थी इंस्टॉल्ड इन लंदन इन दिसंबर 1868 ये लंदन में इंस्टॉल की गई दिसंबर 1868 में लेकिन ये शॉर्ट लिवड क्यों थी क्योंकि इट एक्सप्लोर्ड लेस देन ए मंथ लेटर लगभग यानी कि लगभग लेस देन मंथ लेटर ये जो है ये एक्सप्लोड हुई ये लाइट। है लाइट इससे जो पुलिस मैन है पुलिस मैन ऑपरेटर हैं वो जख्मी हुआ या मारा गया इस धमाके में जो ट्रैफिक कंट्रोल जो है स्टार्टेड ट्रैफिक कंट्रोल स्टार्टेड टू तो सीम इन लेट तो एटीन तो 1868 में पहला जो जो मनमेली गैस लिट ट्रैफिक सिग्नल लगाई गई वो शॉर्ट लेवट थी वो धमाके से उड़ गई उसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल जो लगभग स्टार्ट अच्छी तरह हो लेट एटीन नाइन्टीज़ में हुआ और एन अरनेस्ट सीरिन जो था फ्रॉम चिकागो उसने पेटेंट किया उसने पहला जो है एक डिस्कवर किया फर्स्ट ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इन 1910, तो अर्नेस्ट सीरिन जो है उसने जो चुकेगो से था उसने पहली डिस्कवरी की ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम 1910 में अब ये ट्रैफिक लाइट्स यहाँ जिनको हम अभी कहते थे ट्रैफिक सिग्नल ऑल्टरनेट द राइट ऑफ वे अकॉर्डिंग यूजर्स अब ये ट्रैफिक लाइट्स जो हैं दे ऑल्टरनेट द राइट टू वे एक यूजर जो रोड यूजर्स हैं चाहे पैदल चलने वाले चाहे गाड़ी में सवार है चाहे साइकिलिस्ट हैं चाहे मोटरसाइकिलिस्ट हैं तो ये उनके लिए एक ऑल्टरनेट है ऑल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं एक मतबाद प्रोवाइड करता है राइट ऑफ वे रास्ता देता है बाई डिस्प्लेइंग लाइट्स ऑफ स्टेंडार्ड कलर अब ये रोड पे कुछ स्टेंडार्ड कलर्स के जो है लाइट्स दिखाता है उससे जो है जो चलने वाले हैं उनको रास्ता दिखाता है चाहे रेड है येलो है या ग्रीन है फॉलोइंग ए यूनिवर्सल कलर कोड ये एक यूनिवर्सल कलर कोड है ये आप पूरी दुनिया में देखोगे रेड येलो और ग्रीन अब ये जो रेड कलर है तो हम देखेंगे कि जो रेड कलर है इसका मतलब क्या है और जो रेड कलर है तो रेड कलर इंडिकेट स्टॉप साइन अब जो रेड कलर है इसका मतलब ये है ये वो निशानी है जिससे पता चलता है कि हमें रुकना है जब लाल बत्ती जलती है आपने देखा होगा सिग्नल जब लाल होती हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है ग्रीन जब होती है इट अलाउज ट्रैफिक टू प्रोसीड इन द डायरेक्शन डिनोटेड अब ग्रीन लाइट जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में ट्रैफिक जो है चलेगा और तीसरा है द येलो लाइट अब येलो लाइट भी होती है इट वार्नज द सिग्नल इज अबाउट चेंज टू रेड आपने देखा होगा जब ग्रीन लाइट होती है ग्रीन लाइट के बाद जो है डायरेक्टली रेड नहीं होता है ग्रीन लाइट के बाद येलो विश लाइट यानी कि येलो एक सिग्नल होती है एक वार्निंग होती है कि अब लाइट जो है रेड हो जाएगी अब हमें रुकना ही रुकना है तो अब ये तीन लाइट्स हैं तीन सिग्नल्स हैं हमें सिग्नल लाइट्स हैं रेड लाइट का मतलब ये वो हैव टू स्टॉप ग्रीन लाइट जो है हमें प्रोसीड करना है हमें निकलना है और येलो का मतलब है इट वार्नज अस दैट ट्रैफिक जो लाइट है सिग्नल है इट इज अबाउट चेंज टू रेड ये अब लाल जो है कलर इसका होने वाला है तो ये हमें बताता है उसके बाद नेक्स्ट है पेडस्ट्रेन क्रॉसिंग तो पेडस्ट्रेन हम पैदल चलने वाले को कहते हैं अब अब पैदल चलने वाले के लिए क्या क्या है इसके लिए कोई जो है मैकेनिज्म है या क्रॉसिंग है तो क्या क्या है हम उस पर बात करेंगे पहले हम देखेंगे पेडेस्ट्रेन क्रॉसिंग किसको कहते हैं पेडस्टन क्रॉसिंग ए पेडस्टन क्रॉसिंग और क्रॉस वॉक इसको क्रॉस वॉक भी कहते हैं इज ए प्लेस ये वो जगह है डिजिग्नेटेड फॉर पेडस्ट्रेन टू क्रॉस ए रोड ये बिल्कुल मुंतखब होती है डिजिग्नेट होती है कि जहाँ से जो पैदल चलने वाला है उसको रोड क्रॉस करना है उसी को हम पेडस्टन क्रॉसिंग कहते हैं तो पेडस्टन क्रॉसिंग जो है या क्रॉस रोड जो है क्रॉस वॉक है और क्रॉस वॉक पेडस्ट्रियन क्रॉसिंग या क्रॉस वॉक ये वो प्लेस है जगह है जो डिजिग्नेट होती है फार पेडस्टन टू पेडस्ट टू क्रॉस है रोड एक पैदल चलने वाले के लिए जहाँ उसको रोड क्रॉस करना है अब हमें कुछ टाइप्स हैं जो है पेडस्टेंट क्रॉसिंग के तो पेडस्टेंट क्रॉसिंग के चार टाइप्स हैं तो पहला है अनमार्कड क्रॉसिंग ये अनमार्कड क्रॉसिंग जो है इट में ओकर एट एनी इंटरसेक्शन ये किसी भी जगह आप जो भी ट्रैफिक इंटरसेक्शन है जहाँ भी जो है दो या एक से ज़्यादा जा, रोड मिलते हैं इंटरसेक्शन है तो आप वहाँ देख सकते हो इसमें कोई मार्क नहीं होता है कोई निशान नहीं होता है तो पहला टाइप जो क्रॉसिंग है पेडस्टन क्रॉसिंग है अनमार्कड है इट मे ओकर एट एनी ये किसी भी इंटरसेक्शन पे आप देख सकते हो दूसरा है सिंपल आ, सिंपल मार्कड क्रॉसिंग ये सिंपल मार्किड क्रॉसिंग जो है आपने देखा होगा कि रोड पे जो है ब्लैक और वाइट कलर के जो है जो लाइन होती हैं रोड पे सिंपलेस्ट मार्केट क्रॉसिंग इसको कहते हैं इट मे जस्ट कंसेप्ट सम मार्किंग ऑन द रोड सरफेस ये आप देखो कुछ निशान है जैसे मैंने अभी कहा वाइट और ब्लैक कलर के जो हैं जो लाइनज होती हैं क्रॉसिंग उसको हम सिंपल क्रॉसिंग कहते हैं लेकिन इसको यूके में यूनाइटेड किंगडम में इसको कहते हैं जेबरा क्रॉसिंग तो यूके में इसको अक्सर जेबरा क्रॉसिंग कहा जाता है तो आपने देखा होगा जेबरा क्रॉसिंग वहाँ कुछ लाइनज होती हैं रोड पे जहाँ से हम बेड क्रॉस कर सकता है और तीसरी जो इसकी टाइप है सम क्रॉसिंग्स हैव स्पेशल सिग्नल्स कंसिस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स और लाइट इमिटिंग डायोड पैनल्स कुछ क्रॉसिंग जो है उसमें कुछ स्पेशल सिग्नल्स होते हैं जिसमें लैंप्स होते हैं इलेक्ट्रिक लैंप हमने देखे हैं शहरों में तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि कब निकल कब क्रॉस करना है कब क्रॉस नहीं करना है या उनमें इलेक्ट्रिक लैंप्स के बदले लाइट इमिटिंग डायोड पैनल्स भी होते हैं अगर यहाँ इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं या लाइट इमिटिंग डायोड पैनल तो डायोड हम ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं डायोड हम किस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट एलोज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन इट डायोड हम उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक ही डायरेक्शन में एलो करता है तो ये भी लाइट्स में हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है पेड जो है क्रॉस कर सकता है रोड को और नंबर फोर जो है पेड ब्रिज या टनल्स आपने देखा होगा साइट्स विद एक्सट्रीमली हाई ट्रैफिक और रोड्स आपने कुछ साइट्स देखे होंगे शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लो गाड़ियों का होता है तो वहाँ से क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है और जानलेवा भी हो सकता है तो वहाँ पे पैडस्टैंड ब्रिजेस होते हैं या टनस अगर आप श्रीनगर जाओगे जो लाल चौक इलाका है वहाँ भी ब्रिजेस बनाए हैं यानी सीढ़ियाँ एक तरफ से फिर ऊपर से ब्रिज जो है ब्रिज से वया आप क्रॉस कर सकते हो या इसी तरह से जो जे वी सी बिमना है वहाँ भी आप देखोगे वहाँ भी ब्रिज हैं ऊपर से तो हम क्रॉस क्योंकि वहाँ हैवी ट्रैफिक रहता है तो वहाँ क्रॉस ऐसे नहीं कर सकता इंसान तो यहाँ पेडस्टर्न ब्रिज यहाँ किसी जगह आप देखो कि टनल्स हैं ज़मीन मतलब के नीचे से यानी रोड के नीचे से टनल हैं और टनल के ज़रिए हम दूसरे आ, रोड जो पेडस्टर्न है वो रोड क्रॉस कर सकता है और दूसरे तरफ दू, रोड के दूसरे तरफ जा सकता है तो ये चार कस्म जो थे पेडस्टर्न क्रॉसिंग के तो पेडस्टन क्रॉसिंग जो है ये इसको क्रॉस वॉक भी कहते हैं ये वो जगह है जहाँ पेडस्टर्न क्रॉस कर सकता है अनमार्क क्रॉसिंग किसी भी जगह हो सकती है सिंपल मार्कर जो हैं जो मार्क होते हैं वाइट और ब्लैक निशान उसको जेब्रा क्रॉसिंग यूके में कहते हैं और कुछ स्पेशल सिग्नल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक लैंप्स होते हैं या उसमें डायोड पैनल्स होते हैं और किसी जगह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ क्रॉस करना मुश्किल है तो वहाँ पैडस्टेंट ब्रिजेस होते हैं या टनल होते हैं तो उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रोड साइंस तो साइंस हम निशानियों को कहते हैं कि जो रोड के निशानियां हैं या साइन्स हैं तो क्या क्या है तो आ, जो रोड साइन्स हैं या निशानियाँ रोड साइन्स प्ले अगर हम देखेंगे पहले हम बात करेंगे कि रोड साइन्स जो हैं आजकल की दुनिया में इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी रोड्स अगर वेल वेलबींग well हम देखेंगे अगर हम मैशत देखेंगे या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखेंगे एंड नीड टू कम्यूनिकेट रिज़ल्ट इन इंक्रीज ट्रैफिक चाहे हमारी माशी तरक्की है चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या हम एक दूसरे से जुड़ने के जो जो नीड हैं कम्युनिकेट करने की तो उससे इंक्रीज हुआ है ट्रैफिक रोडों पर जो इंक्रीज ट्रैफिक ऑन रोडस हैं इट हैज़ चैलेंजड द सेफ्टी ऑफ रोड यूजर्स अब जब ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ है तो हमारी सेफ्टी जो है रोड पर चलने वालों की हैज़ रिजल्ट इंक्रीज़ इन फैटलिटीज उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फैटलिटीज का बहुत लोग मर रहे हैं रोडों पर या ज़ख्मी होते हैं या रोड क्रैशज़ में लोग मर जाते हैं हम कहते हैं द एलिमेंट इज़ मोस्ट क्यूरेबल दैन एनी अदर डिजीज़ अब ये उतना मसला नहीं है कि अगर हमने देखा हमने तरक्की भी की तरक्की के साथ हमारे जो रोड्स हैं वो बिजी हो गए वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि आने वाले ज़माने में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी वही वो, वो होगा ट्रैफिक कंट्रोल तो ये एलिमेंट जो है ये ट्रैफिक जो बढ़ रहा है रोड पे इस पर इससे मर रहे हैं लोग जख्मी हो रहे हैं ये क्यूरेबल है किसी एक किसी डिजीज़ से अगर कोई डिजीज है वो क्यूरेबल नहीं है लेकिन ये ऐसा मसला नहीं है कि जो ट्रैफिक हमारे रोडों पर है इट क्यूरेबल ये हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके लिए साइंस की ज़रूरत है रोड साइंस तो रोड साइनज़ प्ले एन इम्पॉटेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर इंश्योरिंग रोड सेफ्टी तो ये रोड सिग्नल साइनस जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक कंट्रोल करने में और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रोड सेफ्टी है ये संगमील की हस्यत रखते हैं कि जो हम कंट्रोल करते हैं रोड्स पे जो ट्रैफिक उसके लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये रोड साइनस रोड साइनस आर डिवाइस अब ये रोड साइंस जो हैं दे आर डिवाइस प्लेसड एलोंग बिस एबो हाईवे ये रोड साइनस हैं क्या ये डिवाइस होते हैं चाहे हम दे आर प्लेसड एलोंग चाहे रोड पे या रोड के एक तरफ या एबो हाईवे या रोडवेज या पाथवेज़ या किसी रूट रूट पे टू तो गाइड इससे क्या फ़ायदा है हमें गाइड कर सकता है हमें वार्न कर सकता है एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक तो रोड साइनस जो है ये निशानियां हैं रोडों पे होती है इससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरफ जाना है ये हमें वार्न भी करते हैं कि अगर आप ओवर स्पीड से चलोगे तो आपको क्या हो सकता है और ये रेगुलेट करता है ट्रैफिक ये जो रोड साइनस है ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती है दीज साइंस कैन बी सीन एज अ पार्ट ऑफ द रोड एंड आर यूज इन फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग आउट इंफॉमे टू पीपल ऑन नंबर ऑफ इशूज ये रोड साइनस हैं ये जो रोड यूजर्स हैं उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है इन रोड साइंस से तो रोड साइंस जो हैं दे गिव ड्राइवर्स वार्निंग पोटेंशियल हजार दे मे इनकाउंटर ऑन द रोड रोड साइंस ड्राइवर को वार्न करती हैं कि जो है आपको ख़तरा लाक है रोड पे अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो ये एक वार्निंग है ड्राइवर को कौन ये रोड साइनस जो है निशानियां जो रोड पे होती हैं ये ड्राइवर के लिए एक आ, वार्निंग है कि आप रोड पे अगर गलत चलोगे तो आपको हादसा हो सकता है या आपको खतरा लाक हो सकता है जो साइनज़ हैं दे प्रिपेयर द मोटरिस्ट फॉर दे विल इनकाउंटर कॉर्नर तो इससे अगर कोई रोड पे कोई मोटर्स चलता है मोटरसाइकिल वाला चलता है तो उसको मुख्तलिफ़ साइनस रोड पे दिखे होती हैं तो वो उसको बताते हैं कि आपको आगे जो है आगे कौन सा मंजिल है या आगे आने वाले मोड़ में क्या क्या खतरा है वो आपको साइनस बताती है एफिशिएंसी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोड साइनस अब ये रोड साइनस जो है इसमें एफिशिएंसी जो है एक फैक्टर है ये साइनस जो है दे इंश्योर कार्ज मूव एट द करेक्ट स्पीड एंड इन द करेक्ट डायरेक्शन टू कीप ट्रैफिक फॉलोइंग यूनिफॉर्मली ये साइनस जो है ये कार्स को इंश्योर करते हैं कि वो करेक्ट uh, स्पीड पे चले और करेक्ट डायरेक्शन में चले ताकि जो ट्रैफिक हैं वो जो है वो फ्लो हो सके आराम से रोड्स पे डेस्टिनेशन आर इजिल फाउंड यूजिंग ट्रैफिक अब ये ट्रैफिक साइनज़ है इससे हम मंजिल पर आराम से पूछ सकते हैं क्योंकि ये हमें मंजिल का पता भी बताते हैं दे आर पोस्टड फॉर मोटर्स एज दे ट्रेवल द रोडवेज विदाउट साइनज़ प्रिंटिंग आउट लोकेशनज एंड डायरेक्शन पीपल वुड भी कॉन्सेंट लॉस अगर ये रोड पर ये निशानियाँ नहीं होते तो जो रोड पर चलने वाला है वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता अपने डिस्टिनेशन में पहुँच नहीं सकता है ट्रैफिक साइनज़ आर साइलेंट स्पीकर ऑन द रोड ये जो ट्रैफिक साइनज़ हैं ये साइलेंट स्पीकर हैं ये बोलते नहीं हमें लेकिन ये हमें जो गाड़ी चलाने वाला है ये जो रोड को इस्तेमाल करने वाला है उसको उसको एक इशारा देते हैं ये साइलेंट स्पीकर्स हैं ये बोलते नहीं हैं लेकिन ये अपनी निशानी से जो जो रोड पे चल रहे हैं उसको होशार करते हैं दे आर डिजाइनड टू मेक श्योर डेट इवी ड्राइवर इज कीप्स ये इस तरह बनाए हुए ताकि हर एक ड्राइवर सेफ रहे एवरी रोड शुड नो द मार्किंग एंड साइनज ऑन द रोड एंड मीनिंग दियर जो भी रोड uh, पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन जो है क्या है और किस इस, किस साइन का क्या मतलब है ऑल ड्राइवर्स मस्ट भी फुली कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेनिंग टू दीज रोड तमाम ड्राइवरों को पता होना चाहिए कि इन रोड साइनज को मानने या ना मानने से क्या फायदा क्या नुकसान और फायदा हो सकते हैं और, और एक बात रिकोगोगनाइजिंग एंड नोइंग रोड साइनस आर पार्ट ऑफ लीगल क्राइटेरिया फॉर गेटिंग ए ड्राइवर्स लाइसेंस एंड आर द की कंपोनेंट इन ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट जब आप लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो आर ऑफिस में वहाँ आपको रोड साइनस का चार्ट आगे होता है और आपको रिकोगनाइज करना होता है ये एक लीगल क्राइटेरिया ये कानूनी तरीका है ताकि आपको ड्राइवर्स लाइसेंस अगर आपको इन रोड साइनस को पहचानने में मतलब मुश्किल होगी आप नहीं पहचान आपको ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिल सकती है और ये की कंपोनेंट हैं ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट जब ड्राइविंग द्रै, थ्योरी थ्योरी टेस्ट प्रैक्टिकल नहीं जब थ्योरी टेस्ट होता है वहाँ भी जो लाइसेंस होल्डर होता है उसको एक चार्ट दिखाया जाता है उसको साइनस दिखाया जाता है और उसका टेस्ट लिया जाता है कि वो साइनस जानता है या नहीं जानता है तो इसका मतलब है जो रोड साइनस हैं ये एक लीगल क्राइटेरिया हैं कि आप अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट है अब ये ट्रैफिक साइनस जो है ट्रैफिक साइनस इफ फॉलोड प्रॉपरली अगर हम इन ट्रैफिक साइनस को अच्छी तरह फॉलो करेंगे हेल्प मेंटेनिंग डिसप्लिन ऑन द रोड इससे हम रोडों पे डिसप्लिन मेंटेन कर सकते हैं हादसा कम हो सकते हैं दे कीप द ट्रैफिक फ्लोइंग फ्रीली बाय हेल्पिंग ड्राइवर्स रीच डेस्टिनेशन ये रोडों पे ट्रैफिक फ्लो स्मूथ रखते हैं और ये ड्राइवर उसको मदद करते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए एंड लेटिंग देम नो एंट्री एग्जिट एंड टर्निंग पॉइंट इन एडवांस और ये ड्राइवर को पहले से निशाने बताते हैं कि आपको एंट्री कहाँ से करनी है किस रोड से अंदर घुसना है किस से एग्ज़िट करना है बाहर निकलना है और कहाँ से टर्न लेनी है यू टर्न या जो ब्लाइंड करूज होते हैं कहाँ से टर्न लेनी है किस तरफ़ जाना है ये तमाम जो है ट्रैफिक सिग्नल्स हमें बताती हैं अब हमारे पास जो रोड साइनज़ हैं ये तीन हेड्स में हमने क्लासीफाई किए हैं यानी इसकी तीन किस्में मैंडेटरी कॉशनरी और इन्फॉर्मेटरी मैंडेटरी रोड साइनज़ उन रोड साइनज़ को कहते हैं जो लाजमी है जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको ये पता नहीं हुए होने अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो अगर आपने इनको वायलेट किया तो आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ एफ़ आई लाज हो सकता है लेकिन दूसरा है काशनरी काशनरी में आपको होशार करते हैं ये साइनस अगर आप वायलेशन इसकी करोगे आपको कोई आ, मतलब आ, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो कानूनी कार्रवाई और तीसरा इन्फॉर्मेटरी ये इंफॉमेशन देते हैं तो पहला वाला हम डिस्कस करेंगे मैंडेटरी साइन वट इज मैंडेटरी साइन तो मैंडेटरी साइन जैसे मैंने कहा लाजमी दी साइनस आर यूज टू इन्फॉर्म रोड यूजर्स ऑफ सर्टन लॉज एंड रेगुलशन टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक ये साइनज़ रोड यूजर को कुछ लॉज और रेगुलेशन के बारे में बताता है और ये सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है फॉर द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक दिज इंक्लूड आर साइन विच गिव नोटिस टू स्पेशल ओब्लिगेशन प्रोहबिशन ये वो साइंस हैं जो आपको बताते हैं नोटिस देते हैं कि आप आपको क्या करना है आपको कहाँ प्रोहबिट करना रुकना है और प्रोहबिज आर रिस्ट्रिक्शन विद विच द रोड यूजर्स मस्ट कम्प्लाई यानी कि आपको इनको मानना ही मानना है द वायलेशन ऑफ दिस साइन इज ए लीगल ऑफेंस अगर आपने इन साइनस को नहीं माना तो वो कानूनी कानून की नज़र में जुर्म माना जाता है ऑफेंस माना जाता है सम ऑफ द साइनस फॉल अंडर दिस कैटगरी कुछ साइनस हैं नीचे तो ये साइनस जो आप देख रहे हो ये तमाम मैंडेटरी हैं आपको रोड पे इनको मानना ही माना अगर आपने इनको नहीं माना तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है जैसे पहला है स्टॉप तो अगर स्टॉप है तो स्टॉप है यहाँ जो ट्रा देखें तो गिव वे यानी आपको रास्ता देना है आप ये जो देख रहे हो वन वे है यानी कि आप देख रहे हो एरो हैं लेकिन एक एरो को क्रास है इसका मतलब है वन वे निकलना है ट्रैफिक को वहाँ से टू वे बिल्कुल प्रोहिबिटेड है नो no एंट्री अगर आप देख रहे हो एरो दे लेकिन एरो को क्रास है इसका मतलब है कोई एंट्री का सवाल ही नहीं है ये वन वे है जैसे यहाँ हमने देखा नो वे बो डायरेक्शन यहाँ पूरा क्रॉस है दोनों को यानी कि दोनों तरफ से कोई रास्ता नहीं है यहाँ है राइट टर्न प्रोहिबिटेड जैसे ऐसे दिखाया यानी आपको राइट right टर्न जो है नहीं लेना है तो अगर आपने ली तो आपके खिलाफ कार्य हो सकती है लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड यू टर्न प्रोहिबिटेड जैसे आप देख रहे हो ओवरटेकिंग प्रोहबिटेड जैसे ऐसे देख रहा है तो ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते हो हॉर्न प्रोहिबिटेड किसी अस्पताल के नजदीक या किसी स्कूल के नजदीक ऐसे होता है तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो स्पीड लिमिट फोर्टी दिया गया है अगर आपने फोटो फाइव इंक्रीज किया तो खिला कार्रवाई हो सकती है कंपलसरी टर्न लेफ्ट आपको यहां लेफ्ट मुड़ना ही मुड़ना है राइट एहड ऑनली सीधा चलना है राइट right टर्न लेना है कंपलसरी एहड ऑन कंपलसरी एहड और टर्न राइट यानी आपको सीधा भी जा, जा सकते हैं यहाँ आप राइट भी ले सकते हो यहां सीधा भी जा सकते हो लेफ्ट भी ले सकते हो कंपलसरी कीप लेफ्ट यहां लेफ्ट आपको रखना है इसी तरह से कंपलसरी साउंड हॉर्न तो यहाँ साउंड आर्म कर तो ये साइंस जो है ये मैंडेटरी साइंस है इनको आपको मानना ही मानना है अगर आपने इनको नहीं माना आपके खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है अब दूसरा जो है काशनरी काशनरी का मतलब है ये आपको काशन करते हैं आपको होशियार करते हैं दीज साइंस ये आपको होशियार करते हैं कि जो रोड है आगे इसमें खतरा है या ए, कोई नुकसान पहुंचने वाला है अगर आपने तरीके से गाड़ी नहीं चलाई सो दैट द मोटर्स आर काश एंड टेक द डिजायर ताकि गाड़ी चले माना काशन ले और अच्छे तरीके से गाड़ी चलाए दो वायलेशन ऑफ दिज रूल्स एंड डू नॉट अट्रैक इन लीगल अगर आपने वायलेट इन साइनज को किया कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्ट अवॉइडिंग एवॉइडिंग दुड रिजल्ट इन मेजर अगर आपने इनको अवॉइड किया तो एक्सीडेंट होने का खतरा है सम ऑफ़ द साइनज़ आर जैसे राइट right हैंड करो लेफ्ट हैंड करो राइट हैंड पिन बैंड लेफ्ट हैंड पिन बैंड राइट रिवर्स बैंड लेफ्ट यानी कि ये आपको दिखाते हैं कि आगे बैंड है अगर आप यहाँ से तेज चल रहे हो तो आपको राइट right हैंड करो हैं। ये काशन देता है अगर आपने सीधा चला है तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है या स्टीप है यानी कि आगे चढ़ाई है या डिसेंट है उतरने में चढ़ाई है या नैरो रोड आगे है या रोड वाइडनज एहड है या ब्रिज है नैरो ब्रिज है स्लिपरी रोड है जैसे आप देख रहे हो या इसी तरह से लूज ग्रेवल है जैसे कच्चा रोड है पेडस्ट्रियन क्रॉसिंग है स्कूल अहेड है मे नटवर्क है क्रॉस रोड है गैप इन मीडियन है या इसी तरह से आप देख रहे हो बाकी जो इसमें है ये सारे जो हैं आपको काशन करते हैं आपको होशियार करते हैं तो इस तरह से लास्ट में जो है वो है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का मतलब है आपको इंफॉर्मेशन देते हैं दी साइनस आर यूज टू गाइड रोड यूजर्स अलॉन्ग रूट इन्फॉर्म देम अबाउट डेस्टिनेशन एंड डिस्टेंस ये आपको मंजिल का पता देते हैं या आपको डिस्टेंस का पता देते हैं पॉइंट्स ऑफ जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट अगर किसी जगह कोई खास जगह है तो आपको उसके बारे में बताता है प्रोवाइड अदर इंफॉर्मेशन दैट विल मेक ट्रैवल ईजियर कुछ इंफॉर्मेशन जिससे आपका सफ़र जो है ईजी हो सकता है सेफ हो सकता है और खुशगवार हो सकता है कुछ साइनज ये हैं जैसे पब्लिक टेलीफोन अगर आपको टेलीफोन करना है तो आप रोड पे साइन देखोगे पब्लिक टेलीफोन तो आप यहाँ पेट्रोल पंप का साइन है आगे पेट्रोल पंप है या हॉस्पिटल है फर्स्ट एड पोस्ट हैं या ईटिंग प्लेस होटल वगैरह या लाइट रिफ्रेशमेंट है चाय या रेस्टिंग प्लेस है या इसी तरह से थॉर रोड है यानी बिल्कुल रोड ठीक है, थारो हैं है। यानी कि आप जा सकते हो यहाँ से भी यहाँ से भी इसी तरह से साइड रोड यहाँ से भी जा सकते हो पार्क दिस साइड पार्किंग है पार्किंग लॉट स्कूटर एंड मोटरसाइकिल ये स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग है पी इसमें लिखा है पार्किंग लॉट साइकिल साइकिल के लिए है इसी तरह से उसके बाद पार्किंग लॉट कार्स के लिए है तो ये आप ने देखा ये इन्फॉर्मेटिव साइन है तो डियर स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस किया ट्रैफिक लाइट्स उसके बाद हमने पेडस्टैंड क्रॉसिंग डिस्कस की उसके बाद हमने रोड साइनस डिस्कस की तो रोड साइनस में हमने टाइपस भी डिस्कस की आ, जैसे हमने देखा अभी मैंडेटरी क्वेश्चन अगर आपको आ, याद Uh, रखने में आसानी के लिए एक फार्मूला है तो एम सी डी सकता यानी कि एम सी डी मैंडेटरी काशनरी एम सी आई यानि एम सी डी नहीं सॉरी एम सी आई मैंडेटरी काशनरीफॉर्मेटी एम सी आई यानि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सिंपल फार्मूला है मैंडेटरी काशनरी एंड इन्फॉर्मेट सो दिस सो विद दिस लेक्चर वी हैव कंक्लूडिड दिस यूनिट दैट इज रोड सेफ्टी एजुकेशन थैंक यू